इंदौर में मानसून के वेलकम के साथ ही जर्जर मकानों को तोड़ने की कार्रवाई एक बार फिर तेज हो गई है। इसी कड़ी में निगम ने जेल रोड में मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई की। देखें खास रिपोर्ट। मानसून की दस्तक के साथ ही निगम अमला एक बार फिर एक्शन में आ गया है। जी हां, जर्जर भवनों से जान माल को नुकसान न पहुंचे, लिहाजा इन्हें जमींदोज करने की कार्रवाई ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। इसी कड़ी में निगम उपायुक्त महेंद्र सिंह चौहान की मौजूदगी में जेल रोड पर जर्जर मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई, जबकि मकान मालिकों की मांगों का भी विशेष ध्यान रखा गया। आज जो खतरनाक भवन में गिराने की जो कार्रवाई हो रही है, ये 38/1, 38/2 जेल रोड पे हो रही है, और इनको हटाने के लिए पहले नोटिस वगैरह दे दिया था। आज वो लोग जो हटा रहे हैं, लेकिन हटाने के बाद ये भी देख रहे हैं हम लोग कि ना तो इनका पूरा सामान बाहर आया है, वो इतना सामान है कि ना ये अगर अकेले हटाते तो कर सकते हैं। लिहाजा रिमूवल की विभाग की जो टीम है उसके अंदर कम से कम 40 लोग हम लोगों ने इसको खाली करने के लिए लगाए हैं। इनके वाहन आ रहे हैं, उससे जा रहा है साथ में, और ये अभी वैसे खाली करने के लिए समय मांग रहे हैं कि 24 घंटे का समय दिया जाए। उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा 125 मकानों को खतरनाक मानकर उनमें से 26 अति खतरनाक मकानों को बारिश से पहले तोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, सोमवार को इसी के तहत 2 मकानों को तोड़ा गया था, जबकि मंगलवार को भी कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।